हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हमने बनाई है फ्रांस बीन्स और आलू की सब्जी। तो ये वाली सब्जी बनाने के लिए आपने सबसे पहले फ्रांस बीन्स को अच्छे से धोना है, धो के आपने इसको काटना है और ऐसे ही आपने आलू को भी काट लेना है। प्याज भी हमें चाहिए होगी और साथ ही में लहसुन, मिर्ची और 3-4 चाहिए होगे टमाटर। तो ये सब सब्जियाँ हमने काट के अपनी तैयारी कर ली है। तो एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, तो इसकी थोड़ी सी कच्चापन दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो जितना आप नमक सब्जी में डालते हो ना, उससे 1/5 नमक आप पहले डाल दो। आप इसमें डालेंगे जीरा, जीरा डाल के आपने थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला देने। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, तो थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि फलियाँ और आलू है ना, बाद में थोड़े वाइट से लगने लग जाते हैं, तो जैसे नॉर्मल हल्दी डालते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालिए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने सर काटे हुए जो लहसुन है। तो सबसे पहले चॉप्ड गार्लिक डालेंगे ताकि जो गार्लिक का टेस्ट है ना, वो उसका फ्लेवर है ऑयल में आ जाए जो हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो इससे हमारा तेल भी अच्छे से पक जाता है और लहसुन का फ्लेवर है सब्जी में बहुत ही अच्छे से आता है। अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप किए हुए अनियंस। अनियंस डाल के आपने इसको 1-2 मिनट पकाने। तो मसाले में अच्छे से कर दो इसको मिक्स और 2-3 मिनट तक ऐसे ही हिलाते हुए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर और हमारी जो फ्रेश हमने रेड चिल्ली काट के रखी है वो वाली। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। टमाटर डालने के बाद फिर से आपने इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करना है। तो फ्लेम हमेशा आपने लो टू मीडियम ही रखनी है। तो ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। मसाला हमारा देखो हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने काटे हुए आलू। क्योंकि हम टमाटर डाल के पका रहे हैं ना, इसलिए हमने नमक इसमें सब्जी में पहले ज़्यादा नहीं डाला। अगर आप स्टार्टिंग में नमक ज़्यादा डाल दोगे तो आलू और टमाटर दोनों पकने में बहुत ही टाइम लगाते हैं, तो आलू जल्दी जल्दी जो है सॉफ्ट नहीं होते, इसलिए हमने नमक पहले कम ही डाले। तो इसको फिर हम 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे। तो लो टू मीडियम हीट रखो आप जब आपने आलू को पकाने। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। तो ये ऑलमोस्ट 75 ml मैंने पानी डाला है, क्योंकि अब हम इसमें ना बीन्स डालेंगे, तो बीन्स डालने से पहले इसमें थोड़ा आलू को पकने में टाइम लगेगा और फ्रांस बीन्स को पकने में भी टाइम चाहिए। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें फ्रांस बीन्स। तो फ्रांस बीन्स को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, धो के फिर मैंने इसको चॉप किया है। तो 1 इंच के आसपास के पीसेस आप साइज़ में कर लो, थोड़े से लंबे पीस करोगे तो देखने में भी सब्जी की लुक अच्छी आती है और जो सब्जी है पक भी जल्दी आती है। अब हम फिर से इसको ऊपर से कवर करके पकाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर हीट को थोड़ा हाई लेवल पे सेट कर दिया, क्योंकि पानी जो है इसका हमने वो भी सुखाने। तो 8-10 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाती है। तो देख रहे हो आपके पानी इसमें हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है। थोड़ी देर इसको ऊपर से कवर करके फिर से पकाएंगे। चलिए अब चेक करते हैं आलू को कि आलू पक गए हैं कि नहीं, क्योंकि बीन्स तो ऑटोमेटिकली पक जाती हैं। तो जब भी आपने देखना है आलू को तो 1-2 आलू दबा के ऊपर से चेक कर लो। अगर दबाने से आलू टूटना स्टार्ट हो जाए तो दैट मीन्स हमारे आलू पक गए हैं।
लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे आलू अभी तक थोड़े कच्चे हैं। तो आलू जब बन जाएंगे तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन जाएगी। फिर से ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे। तो दोबारा चेक कर रहे हैं, 2-3 मिनट मैंने इसको सेक लगाया, फिर से देख रहे हैं आलू बन गए हैं कि नहीं। तो जब आलू को हम प्रेस करके देख रहे हैं तो अगर हमारे आलू टूट जाते हैं तो इसका मतलब है सब्जी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। आलू भी दबाने पर अब टूटने लगे हैं और जो सब्जी में पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब बारी आगे डालने की इसमें नमक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नमक कम डाला है, तो अब हम डालने हैं इसमें 1 टीस्पून नमक और डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इसको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। सब्जी की देखो लोगों कितनी अच्छी आनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सब्जी हमारी बनके एकदम से रेडी हो गई है। तो गैस को हम कर रहे हैं बिल्कुल लो पे सेट। तो बस नमक डालने के बाद हमने ना इसको 2 मिनट और पकाना है, क्योंकि नमक हमने एंड में डाला है तो इसको अब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो देखो 2 मिनट के बाद हम सब्जी की आपको लुक दिखा रहे हैं कि देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर सब्जी बन गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली सब्जी और न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा होती है। सब्जी को करते हैं गरम गरम सर्व। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।